हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अदीप और ये हमारे छोटे भाई फैसल अहमद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू ए टूरिज्म चैनल। आज हम जा रहे हैं कोटा बाग से देवीपुरा, कुछ काम है अर्जेंट तो और जाना पड़ रहा है रात में। तो यहाँ पर है खतरनाक खौफनाक जंगल। दिन की वीडियो आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जंगल कैसा है, और रात में कैसा ही होगा वो आप भी देखेंगे इसी व्लॉग में। तो दोस्तों, ये जंगल ऐसा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है तेंदुआ। आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ कि तेंदुआ मिले और आप हमारे सफ़र के साथ जुड़ें, अच्छा लगेगा हमें। और वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और देख सकते हैं आप आगे तक कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ये लाइट दिख रही है, आगे अंधेरा। यहाँ से कहीं से भी आ सकता है तेंदुआ। खैर, मेन पर्पस तेंदुआ नहीं है, हमारा तो ये सफ़र है। सोचा सफ़र में आपको अपना साथी बना लिया जाए और आपको ये जगह दिखाई जाए खूबसूरत। दोस्तों ये जगह है कोटा बाग में। कोटा बाग से कुछ किलोमीटर आगे जाकर पड़ता है, पूरा हिली एरिया है गाइस। ये नियर बाई नैनीताल है, नैनीताल ज़िले में पड़ता है और नैनीताल के नज़दीक है। बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, लेकिन ये जो हमारा कोटा बाग है, ये वेदर और नेचर और बर्डिंग इसके लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो एरिया है बर्डिंग वगैरह, ये सब जिम कॉर्बेट के अंडर है। और जिम कॉर्बेट सिर्फ टाइगर से ही नहीं, सारे जीव जंतुओं से है। और सबसे बड़ी बात, जंगल है तो जीव जंतु है तो जंगल है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये पूरा चेन है। पहाड़ों की रात, लाइटें जल रही हैं और देख सकते हैं आप वो टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं आपको, ये सब घर हैं। ऐसे व्यतीत होता है जीवन पहाड़ों में। देखिए कितनी ऊंचाई पर है लोग, कब कहाँ किधर तेंदुआ टहल रहा होगा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए सब घर के अंदर होंगे। और हम जा रहे हैं अपने काम से। आप देख सकते हैं दिन में हमने एक दो व्लॉग होंगे या तीन होंगे कम से कम व्लॉग हमारे देवीपुरा से आगे तक के। एक तो पूरा पंगोट तक है, तो ये पूरा रास्ता हमने देखा है। मुश्किल से ऐसा कोई रास्ता होता जो हम छोड़ते हैं। ये आसपास के पूरा रामनगर, पाटकोट, ये सब रास्ते हमने पूरी सड़क नापी है अपनी बाइक से, अपनी कार से। और एक हमारे अंदर वो रहता है जुनून टाइप का कि ये रोड जा कहाँ रहा है, उसे हम देखना है आखिर इसका कहाँ होता है। जैसे उत्तराखंड का एक लास्ट विलेज है हमारा माना गांव, तो वो भी एक दिमाग में मेरे बसा गया है और मुझे वहाँ जाना है। तो कभी हिसाब बना या मौका लगा तो बिल्कुल जाएंगे हम, क्योंकि मुझे देखना है उत्तराखंड का लास्ट विलेज अपना, मैं जाके रहूँगा। और दोस्तों ये रोड देख रहे हैं आप, ये भी पूरी हमने फिनिश कर रखी है पूरी। ये रोड जाएगी आपकी पूरी नैनीताल तक, गुगु खान निकलती है। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत प्यारी जगह है, आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना तो आप हमारा व्लॉग देख सकते हैं, कोटा बाग टू नैनीताल वाया पंगोट। तो पंगोट से भी बहुत ऊपर है ये गुगु खाम। दोबारा मौका लगा तो हम आपको इस गुगु खाम से भी ऊपर जाकर दिखाएंगे। एक टेंपल है वहाँ, उसका भी एक ब्लॉग बना के दिखाएंगे, लेकिन अभी तो हम जिम कॉर्बेट में ही है। तो जिम कॉर्बेट, लोग सोचते हैं कि जिम कॉर्बेट वहाँ है जहाँ पे गेट है वो जिम कॉर्बेट है, नहीं गलत है। जिम कॉर्बेट तो कम से कम आपका पूरा नेपाल तक फैला हुआ है, इसका बॉर्डर पूरा ये सब राजा जी से पूरा, लेकिन नेपाल के नेशनल पार्क और राजा जी अपना हो गया, उत्तराखंड का ही है वो भी देहरादून। बहुत लंबी चेन है गाइस। तो जंगल पूरा है
सिर्फ टाइगर ही मायने नहीं रखता, टाइगर तो एक कीमती हीरा जिसे बोलते हैं वो है, ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को हीरा, पूरी खदान खान खोदना पड़ती तब जाके मिलता है मेहनत से। और उसमें काफ़ी कमेंट आए हैं कि टाइगर दिखाइए, टाइगर की दहाड़ सुनाइए, तो टाइगर की दहाड़ और टाइगर देखने के लिए नसीब लगता है, वो बहुत रेयर है। अगर सामने आएगा किसी दिन तो आप देखते हैं वीडियो चली रही है तो ज़रूर देखेगा, आपको भी और हमें भी। दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा पानी का रपटा है, बरसात जो होती है ना यहाँ पर कोटा बाग में ऐसी होती है कि पानी जो निकलता है ना ऐसी रफ्तार में निकलता है कि ट्रक भी बहा देगा, बहुत तेज़ पानी आता है। और रोड आप देख सकते हैं कैसा ऑफ रोड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है, दिन में आपने देखा ही होगा इस पुल को, लेकिन रात में देखिए कुछ अलग ही लग रहा है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, क्योंकि हम अकेले हैं इस रूट पर, कोई ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, और मे बी ये पूरी नाइट ड्राइव आपको किसी ने दिखाई होगी इस रूट की, क्योंकि इस रूट पर कोई आता ही नहीं है, इस पर सिर्फ 8-way टूरिज्म आता है, इस पर सिर्फ हाँ हम आते हैं। काम से जा रहे थे तो सोचा कि सफ़र के साथ ही बना लिया जाए आप लोगों को। ये क्या है, तोड़ दिया होगा। हाँ यहाँ पर तो ढाबा था। हाँ ढाबा तोड़ दिया होगा। चौमीन इतनी बढ़िया थी यार, ये इसको क्या हो गया पता नहीं। ये रिवर साइड एरिया है, ये दाबका रिवर है साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों एक छोटा सा काम था वो हमने निपटा लिया है, अब वापसी जा रहे हैं हम अपने घर की ओर। किसी को कुछ देना था वो दे दिया है हमने पार्सल अपना, और अब जा रहे हैं हम घर की वापसी में, और बज रहे हैं रात के 10:30। 10:30 का मतलब कभी भी कुछ भी कहीं से निकल सकता है, निकलेगा क्या तेंदुआ। तो बने रहे इस ब्लॉग के साथ, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था साल के जंगल, ये देख सकते हैं आप पूरा ख़तरनाक जंगल है ये दोस्तों। कुछ दिन पहले ही डाला है हमने एक ब्लॉग अपना, जो कि मोहन का है, पनौत नाले के पास जो एक टाइगर, मेल टाइगर पकड़ा गया है, वो ब्लॉग आप देख सकते हैं। जो बाघिन पकड़ी गई थी जो लंगड़ा रही थी, तो वो उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो मैन ईटर थी, कि जो उसका डीएनए सैंपल लिया गया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो मैन ईटर ही थी। अब ये देखना है कि ये जो मेल टाइगर पकड़ा है उसका डीएनए सैंपल जाएगा 15-20 दिन या 25 दिन जो भी लगेगी रिपोर्ट आने में, उसके बाद पता लगेगा कि ये भी है या नहीं मैनीटर। ऐसे नहीं कहेंगे, मतलब ये बाघ वो है जो रोड के साइड घात लगाकर बैठ रहा था और पकड़ में नहीं आ पा रहा था, ये मेल था और इसकी आवाज़ें भी रात में गांव वालों ने बताया जैसे कि ये आवाज़ करता था अपनी, रोर करता था मतलब दहाड़ता था रात में। और कुछ दिनों पहले भी दो गायों पर भी हमला करा था, शायद वो क्या पता ये बाघ हो, और हो सकता है ना हो, कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि और भी बाघ हैं। ये मेल टाइगर पकड़ा गया है, ये हो गया आपका ढेला जोन में रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर रखा गया है उसे, और जो बाघिन थी अब वो मैन ईटर अगर कंफर्म हुई है तो उसको अब वो रखेंगे वहीं पर ही अभी, नहीं तो कहीं शिफ्ट करेंगे ज़ू में, और नहीं तो उसे रेस्क्यू सेंटर में ही वहीं रखा जाएगा, भैंस का मीट उसे दिया जाएगा, और धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत लगती है तो उसे छुड़ाना पड़ेगा। अगर होगा उसके घाव तो वैसे भर चुके हैं जो जिस वजह से वो लंगड़ा रही थी, और ठीक होने का मतलब उसके अभी कुछ टाइम और वॉच करा जाएगा, उसको मीट दिया जाएगा उसका भैंस का है जिसका भी दिया देंगे, और देखेंगे कि वो इस लायक है कि जंगल में छोड़ा जाए या फिर उसे ज़ू में छोड़ा जाए। अब उस पर निगाह तो रहेगी क्योंकि वो मैन ईटर है कन्फर्म,
तो मे भी जंगल में नहीं छोड़ा जाए, शायद उसको कहीं और शिफ्ट करा जाएगा। तो दोस्तों ये बात तो रही उस मैनेटर की जो कंफर्म हो चुकी, और मेल टाइगर अभी कुछ पता नहीं उसका, उसका सैंपल लिया गया था, अब देखो कितने दिनों में रिपोर्ट आती है, तो वो अगर अपडेट छोटा सा मिलेगा तो ऐसी छोटी मोटी ड्राइव के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और एक खबर और आई थी जो बन्ना खेड़ा रामनगर के पास जो है, जो बैल पड़ाव साइड है, उस रेंज में एक बाघ ने बाइक सवार दो व्यक्ति थे उन पर हमला किया था, और ऐसा हमला किया कि जो पीछे बैठा होगा व्यक्ति, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, असलम, हाँ असलम नाम का व्यक्ति था, वो चोटिल हुआ उसके पैर, तो उस बाघ या बाघिन ने उन दोनों का काफ़ी देर पीछा किया और वो बच तो गए हैं लेकिन हमले से घायल हो चुके हैं, तो उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उस बाघ या बाघिन को ट्रैक किया जा रहा है, तो आई होप वो पकड़ा जाए, वरना ऐसे तो हमले के केस और बढ़ते जाएंगे। खैर खरगोश खरगोश। तो दोस्तों देखिए हमें कुछ मिला है, ये देखिए ये खरगोश मिल चुका है हमें, ये देखिए आप देख सकते हैं ये चला गया साइड, अभी आपने देखा खरगोश था आगे। ये लाइट के आगे भागता है, आप हमारी एक वीडियो देखेंगे कहाँ की है वो, हाँ सीतावनी जोन साइड की है वो, जब हम बेताल घाट से वापस आ रहे थे, बेताल घाट से रात में वापसी में ये खरगोश ने लगातार लाइट के आगे दौड़ लगाई, 40 किलोमीटर की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही थी पर आवर की स्पीड से, और वो भी उतनी ही स्पीड से भाग रहा था। हमने काफ़ी बार गाड़ी रोकी ताकि वो साइड चला जाए, लेकिन वो गाड़ी के आगे से नहीं हट रहा था, वो लाइट के ऑब्जर्वेशन में जा रहा था, वो लाइट का रिफ्लेक्शन का होता है कुछ उसकी आई में, उसकी वजह से वो जा रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा पुल है, इसके नीचे जो नदी बह रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है इसमें बरसात में, और देख सकते हैं आप ये दिन में कितना खूबसूरत लगता है, हम यहाँ आते हैं और रात में इतना डरावना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सामने लाइट है, अब ये कोटा बाग लगभग हमारा आ गया है और यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है, तो वीडियो लंबी ना हो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और तो बने रहें हमारे साथ, जुड़ जाएं, जिसने जो नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही मिलेंगे किसी नाइट ड्राइव में या किसी डे ड्राइव में या किसी अन्य व्लॉग में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और टेक केयर, धन्यवाद।